अंकल हमने डबा भी ले नहीं नहीं एयर भरा जाएगी निकल जाएगा अभी बाहर। ये है क्या लिक्विड रहता है जेल पंचर नहीं होता भाई कल जाने वाला अलग चालू कर दिया यहाँ पे लिक्विड अंदर डाल रहे हैं रियर टायर का है 500 mm कई बार ऐसे जाम भी हो जाता है सड़िया होगा छोटा वाला फिर पूछा कर पता नहीं टाइम लगेगा ना। हाँ पर ले जाना उसको साथ में मैं कहाँ लेके नहीं जाऊँगा किसको अबे तेरी ठीक है हाँ ठीक है वही रबर के पार्टी का भरा है क्या भर रहे वो रबर के पार्टी का के साथ ये भी आता है कि आपको जब एंड तक बच जाता है तो आप दबा के नहीं निकाल सकते इसके लिए ये भी दिया जाता है पीछे दो दिन बैठेंगे ना ऑलरेडी वर्क कर रहा है नहीं जब तक टायर अच्छा ज़्यादा पंचर नहीं पड़ेगा तब तक जब तक नवा टायर रहेगा ना तब तक प्रॉब्लम नहीं रहेगी हाँ ट्यूबलेस में चलता है ना ये तो नहीं दोनों में चलता है इसमें सब कर रहा हूँ
चालू ही है। तो बढ़ना गया और भी 5-6 बजे पूरा आता है अंदर पंचा नहीं हो गया खुला क्या बाहर तो नहीं गया है ना नहीं वो रबर के पार्टिकल अंदर आते हैं तो लॉक कर देते हैं ये रहते साइड यहाँ पर है हाँ ठीक है कितने टाइम लगेगा डिंगली को कितने टाइम लगेगा इससे क्या करेगा आपसे हाँ अभी थोड़ा लेट होगा ना वहाँ तो खाने का भी लेट होगा ना हाँ ठीक है यहाँ पे फ्रंट टायर का लिक्विड मैंने पूरा डाल दिया अंदर पूरा ख़त्म हो गया है रियर टायर सब जो भी हो गया आगे का निकाल के देना तेरे भी तो बनना उसका बनना ये अब आगे के टायर के बाद बारी है ये देता है फ्रंट टायर पे इसमें 325 एमएल लगेगा दोनों टायर में हमने हवा पूरा ली है कंप्लीट हो चुके हैं फॉर्मूला एक्स भी डाल दिया है दोनों टायर में फ्रंट और रियर में और ये भाई की शॉप है और भाई ने
बहुत बढ़िया सपोर्ट किया है। क्लोजिंग का टाइम था फिर भी।